अमेरिका में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माननीय सीताराम जायसवाल जी, जो मेयर हैं गोरखपुर के। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपने कार्यक्षेत्र में जब से सत्ता में आए हैं क्या क्या कार्य संभाले। सबसे भारतीय जनता पार्टी के मेयर में चुना गया हूँ, 8 महीने हुए होंगे। इस कम अवधि में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से गोरखपुर में बहुत सारे कार्य हुए हैं। पहला कार्य जो हुआ है गोरखपुर में एम्स की स्थापना हुई है, जो काम द्रुत गति से चल रहा है। चारों तरफ से बाउंड्री बन गई है, उसके बिल्डिंग का काम चल रहा है। फर्टिलाइजर पहले से बना हुआ है, इसके गति देने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर लगे हुए हैं। हमारे कार्यकाल में यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं जो पिछले सरकार में रुकी हुई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए कान्हा कुप्पन की व्यवस्था की है, जो छुट्टा पशु शहरों में घूमते हैं जिसका कोई वारिस नहीं है, उसके लिए हम लोग 9 एकड़ में कान्हा कुप्पन बनाने जा रहे हैं। ये मावा मंडी के नजदीक में है, इस पर काम प्रारंभ हो गया। दूसरा काम एक सौदा गृह का है, जो कि रुका हुआ पड़ा था। ये 13 करोड़ की योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए धन अवमुक्त कर दिया है। उस पर भी काम जल्द ही 2-4 दिन में प्रारंभ होने वाला है। अगर हम आपसे बात करें डेवलपमेंट की, तो अभी आप कौन कौन सा ऐसे स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं गोरखपुर के डेवलपमेंट के लिए एज अ मेयर? एज ए मेयर गोरखपुर की जो नगर निगम की बिल्डिंग है, ब्रिटिश पीरियड की बनी हुई है और 150 साल पुरानी है। इसके जगह पर उसकी बगल में हम लोग एक नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें पैसे भी स्वीकृत हो चुके हैं, और इस तरह की एक बिल्डिंग यहाँ पर जल्द ही हमारे बीच में आने वाली है। ये काम हम लोगों ने किया है और ये जल्द ही इस पर भी काम शुरू होने वाला है। अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो वहाँ की बिजली की व्यवस्था कैसी है? जैसे कि यहीं के मुख्यमंत्री जी हैं गोरखपुर के ही, तो इन्होंने जो वादा किया था 18 से 20 घंटे गांव गांव में पहुंचाई जा रही बिजली, तो ये तो उनका ही इलाका है, शहर है, तो कितने घंटे तक बिजली जा रही है? गोरखपुर में बिजली 22-24 घंटे शहर से मिल रही है, देहातों को 20 घंटे बिजली मिल रही है। बिजली की कोई कमी नहीं है। बरसात के दिनों में कभी कभी जो फॉल्ट होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आती है, उसके कारण कुछ व्यवधान उपस्थित हुए हैं। अब वो ठीक हो गया है और बिजली गोरखपुर शहर को 24 घंटे मिल रही है। और यहाँ के रोड के विषय में अगर हम बात करें तो क्या कहना? देखिए, हमारे जितने भी हाई रोड बने हैं, लिंक रोड बने हैं, सब पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। शहर में कुछ रोडें हैं जो बरसात के कारण खराब हो चुकी है, उसके भी हम लोगों ने टेंडर किए हैं और जल्द ही जैसे ही बरसात थमेगी उसका काम त्वरित गति से किया जाएगा। गोरखपुर एक बहुत बड़ा शहर है, इसके विकास के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं। हम जल्द ही इस योजना को लेकर के शहर के विकास के लिए काम करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि जैसे जानवर रोड पे आ रहे हैं तो उनसे डेटर एक्सीडेंट हो रही है, तो उसमें आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं या फिर अभी आपका कोई ऐसे कुछ? आपसे मैंने बताया कि कान्हा वन जिसमें इस तरह के पशु रख के जाएंगे जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए हमने योजना बनाई है और 1000 गायें उसमें रखी जाएंगी। वो काम हमारा 5-6 महीने में पूरा होने वाला है। वह हो जाने के बाद सड़कों पर ऐसे पशु दिखाई नहीं पड़ेंगे जिसका कोई बारिश नहीं। और अगर हम बात करें नाली की, तो क्या यहाँ की नालियाँ सही समय पर साफ सफाई हो रही है? देखिए, गोरखपुर की बनावट एक कटोरे के समान है। इसको आप नक्शे में देखेंगे तो गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति है वो एकदम कटोरे के समान है।
बरसात में हम लोगों ने नालियों की बड़े पैमाने पर सफाई कराई है, जैसे 7 किलोमीटर का नाला है जो मेडिकल कॉलेज से लेकर आर के बीके तक जाता है, जो 25 साल से कभी साफ नहीं हुआ है। जब से हमारी सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, हम लोगों ने 7 किलोमीटर नाले की सफाई बहुत ही कम समय में 1 महीने के अंदर करा करके जनता को दिया है। उससे बहुत तेजी से पानी निकल रहा है। एक नागरिया हॉस्पिटल के पास, मुंशी प्रेमचंद के पास, एक बड़ा नाला ड्रेनेज निर्माण कराया जा रहा है, जो हमारे प्रमुख वार्ड है बेटिया आता, वहाँ पानी जमता था, जमा होता था, वो बीच निकाला जा रहा है, उसकी तुरंत व्यवस्था की गई है। जहाँ बात साफ सफाई की आ गई, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें क्या आप कोई ऐसा अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने अभी आपने बताया कि हम ढेर सारे साफ सफाई करा रहे हैं जितना हमारे जान से समझ आ रहा है, लेकिन क्या कोई आप अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? बोला यहाँ से हम लोग जागरूकता अभियान समय समय पर चलाते रहते हैं, और अभी हम लोगों ने सफाई व्यवस्था में गोरखपुर में बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि 2 कंपनियों को हमने पूरे शहर का सफाई व्यवस्था करने का दिया है। अभी 1 तारीख को उन लोगों ने काम शुरू किया है, और हमकी उम्मीद है कि हम 15 तारीख तक घर घर से पूरा कलेक्शन की पूरी व्यवस्था कर लेंगे, और एक कंपनियां तेज गति से काम करेगी और कहीं भी शहर में कूड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी तो ये बात थोड़ी हुई, अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो आपके शहर में कैसा है ट्रैफिक? शहर गोरखपुर बहुत पुराना है, सड़कें शहर की इतनी चौड़ी नहीं है जो आबादी का बोझ झेल सके। हम ट्रैफिक व्यवस्था के प्रति हम लोग चिंतित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से सड़कों को वन वे करें। कुछ और सड़कें हम चौड़ीकरण भी कर रहे हैं, जो बिजली खम्भे हमारे सड़कों पर है। मुख्यमंत्री जी के आदेश से उनके दिशा निर्देशन में पूरे शहर के जो खम्भे थे बिजली के उसको हटाए जा रहे हैं, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और अंडरग्राउंड पाइप डाले जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी 1 साल के अंदर हम ट्रैफिक व्यवस्था को शुरू करेंगे। धन्यवाद। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हैं, रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसी।